Bismillahir Rahmanir and Today, our topic is 13 hugs to win your customer. First of all, we will define who is customer or what is customers. A person or a class of person to whom you deal is your customer. And there are two types of customers. First, internal customers, and the second, external customers. Internal customer means if you are running an industry, manufacturing industry or service industry, your dealers, your suppliers are your external customers, and your employees are your internal customers. And if you are running a school, then your parents are your external customer, your staff, and your students are your internal customers. And what is hugging your customer means? Hugging customer means treating them warmly, with personal attention, and to build emotional connection. Yani, हगिंग कस्टमर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं कि आपने अपने कस्टमर्स को हाँ वो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं उनको वार्मली वेलकम करना है पर्सनल अटेंशन देनी है और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से बियॉन्ड है यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन से बढ़कर ये चीज़ें आपने करनी है नेक्स्ट हगिंग कस्टमर के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है लिसनिंग देयर नीड्स आपने उनकी ज़रूरीतरूरियात को अटेंटिवली सुनना है और दूसरे नंबर पे उनकी तो से उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर उनको सर्विस देनी है और तीसरे नंबर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर सर्विस कल्चर क्रिएट करना है ये तीन चीज़ें आप हगिंग कस्टमर के अंदर मेंटेन करेंगे नेक्स्ट जो थर्टीन हग्स है अपने कस्टमर को विन करने के लिए उसमें जो सबसे पहले नंबर पे हग है वो ये है टू मेक कस्टमर फील वेलकम्ड वैल्यूड एंड एप्रिशिएटेड यानी जब भी आपका कोई कस्टमर आपके प्रामिसज के अंदर दाखिल हो आपसे मुलाकात करे तो वापस जाकर तीन चार लोगों से ये डिस्कस करे कि इस तरह का प्रोटोकॉल इस तरह का वेलकम इस तरह की वैल्यू गिविंग मुझे किसी और इदारे में नहीं दी गई जो इस इदारे में दी गई है तो ये आपका उसके लिए फर्स्ट हग होगा क्या आप उसको वार्मली वेलकम कर रहे हैं उसको वैल्यू दे रहे हैं और उसको उसके आने को अप्रीशिएट कर रहे हैं द सेकेंड हग लिसन टू योर कस्टमर एंड एक्ट ऑन देअर फीडबैक आप अपने कस्टमर को अटेंटिवली सुने और जो वो कुछ आपको कह रहा है बेशक वो राइट है या रॉन्ग है आप उसको आप उसको उसका प्रॉपर फीडबैक दें फीडबैक ज़रूर देना है यानी कोई ऐसा कस्टमर आपका ना हो कि जिसने कोई क्वेश्चन आपकी तरफ किया हो या कोई बात आपको की हो और आपने उसको रिप्लाई ना किया हो ये आपका सेकेंड हग है दर्ड हग इज़ टू मेक दैम मोर देन कस्टमर आई मीन रेविंग फैंस यानी जब आप अपने कस्टमर से मिल रहे हैं तो आपके जहन में ये ना हो कि मैं एक कस्टमर ट्रीट कर रहा हूँ या मैं एक कस्टमर डील कर रहा हूँ आपके जहन में ये टारगेट होना चाहिए कि मैंने अपनी इस डीलिंग की वजह से उसको अपना फैन बनाना है कि वो जाके पॉजिटिवली लोगों के साथ मुझे डिस्कस करे एंड द फोर्थ हग इट इज़ नाट जस्ट अबाउट बींग अ नाइस इट इज़ ऑल्सो अबाउट बींग स्मार्ट यानी ये जो आप सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को इट डज नाट मीन कि आप बहुत नाइस हैं नाइस होने के साथ साथ आपने स्मार्ट भी होना है जहाँ आपने उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है वहाँ आपने अपने बेनिफिट्स को भी इग्नोर नहीं करना यानी आपने विन विन की पोजिशन पर उसके साथ डील करनी है एंड द फाइव हग इज़ इट इज़ नॉट अबाउट सेलिंग इट इज़ अबाउट सर्विंग इट इज़ नॉट अबाउट ट्रांजेक्शन इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप यानी आपने सेल को फोकस नहीं करना आपने सेल करने को तरजीह नहीं देनी आपने सर्विस को तरजीह देनी है कि मेरे पास एक बंदा आया है तो मैं उसकी इसको सर्व करने लगा हूँ उसको उसकी खिदमत करने लगा हूँ और ये जस्ट मैं एक ट्रांजेक्शन नहीं कायम कर रहा मैं एक परमानेंट और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने जा रहा हूँ आपने इस नजरिए के साथ उससे अपने डील करने हैं, उससे बातचीत करनी है एंड द सिक्स हग इज टेलर योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू देयर नीड वांट्स एंड प्रेफरेंसेस यानी आपने अपनी अप्रोच को उसकी ज़रूरियात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसके मुताबिक टेलर करना है यानी अपनी डगर में बात नहीं करते जाना उसकी उसके मसाइल को देखना है और उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना है एंड द सेवेंथ हग इज़ अ फ़ोन कॉल अ मैसेज एन ई मेल और अ फेस टू फेस फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू विन देम। यानी कोई भी अगर आपको फोन कॉल आई है कोई मैसेज आ गया है कोई ई मेल आ गई है या कोई आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने कस्टमर को विन करने की और जितनी अपॉर्चुनिटीज आप ज्यादा सक्सेसफुली विन करेंगे उतने आप कस्टमर को अच्छे तरीके से रिटेन कर पाएंगे एंड द एट हग इज इट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस टू बिल्ड स्ट्रोंगर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स यानी कि एक दफा के करने का काम नहीं है ये जो आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं ये एक दफा के करने का काम नहीं है एक परमानेंट नेचर का काम है एक ऑन गोइंग प्रोसेस है तो जब आप हर दफा ही उसको अच्छे तरीके से सर्विस देंगे तो आपका वो रेविंग फैन बन जाएगा एंड द नाइन्थ हग इज टू क्रिएट अ कल्चर टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ कस्टमर सर्विस एवरी फ्राम एवरी वन फ्राम द गॉड टू द डायरेक्टर्स शुड बी फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग अ ग्रेट कस्टमर सर्विसेज़ यानी आपकी इंडस्ट्री में, में आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके गार्ड से लेकर डायरेक्टर तक हर एक पर्सन कस्टमर सर्विस कल्चर को प्रमोट कर रहा हो और आपका जो प्रोटोकॉल है वो जो ही कोई एक आपका कस्टमर आपके गेट से एंटर हो वहाँ से ही उसको प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाए तो आपने एज ए नाइन्थ हग एक कल्चर ऑफ कस्टमर सर्विस जो है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आपने डेवलप करना है एंड द हब यू आर हेयर टू मेक बेस्ट सोर्स ऑफ न्यू बिजनेस थ्रू वर्ल्ड ऑफ माउथ रेफरल्स यानी आपने एक पॉजिटिव वर्ल्ड ऑफ माउथ जनरेट करने हैं जो भी आपके पास एक ट्रांजेक्शन या एक अपॉर्चुनिटी आई है आपने उसको एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का पेश समझ समझना है और इस तरीके से उसे डील करनी है कि वो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए जाके वो जनरेट करे। एंड द अलेवेंथ हक कस्टमर आर द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस ट्रीट दैम वेल एंड दे विल रिवार्ड यू विद लॉयल्टी कस्टमर को आपने जिसम में ब्लड की मानत खून की मानत समझना है अगर जैसे खून अगर आपकी बॉडी से ड्रेन हो जाए तो आपकी बॉडी डेड हो जाएगी सेम इसी तरीके से अगर कस्टमर आपके बिज़नेस से ड्रेन होना शुरू हो जाए तो आपका बिजनेस भी डेड हो जाएगा तो आपने अपने कस्टमर्स को लाइफ ब्लड समझना है और इस तरीके से उनको डील करना है कि उनके अंदर लाइलिटी जनरेट हो और आप वो जो आपकी इन जो हग्स हैं इनका रिवॉर्ड लाइलिटी की सूरत में आपको रिटर्न करें एंड द ट हग इज़ कस्टमर लायल्टी इज़ अर्नड Not bought. It is the result of consistently exceeding expectations. Customer की जो loyalty है वो khareedi नहीं जाती ये कमाई जाती है और कमाना किस तरह है कि अगर आप उनकी expectation से बढ़कर उनके साथ काम करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर उनको रिजल्ट देंगे तो फिर आप लॉइल तो फिर आप लॉयल्टी अर्न करेंगे एंड द लास्ट हग इज़ कस्टमर्स आर नाट ऑलवेज राइट बट दे आर ऑलवेज कस्टमर्स कस्टमर हर दफ़ा ठीक नहीं होते लेकिन वो कस्टमर होते हैं तो आपने अपने कस्टमर्स को अपने लाइफ ब्लड की तरह ट्रीट करना है ताकि आपको आपके वो लॉयल कस्टमर बन जाए और आपके वो रेविंग फैंस बन जाए थैंक यू वेरी मच